तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर हो गई, वो ऑडियो को लेकर कुछ इशू था। खैर, चलता रहता है ये सब जिंदगी में। तो आज की कहानी मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले एक, चूँकि उसी कहानी के को सुनाने के वक्त मुझे याद आया कि यह शेयर करना चाहिए। करीब 5 साल पुरानी बात है, 2014 की, शायद 23 या 24 सितंबर 2014। एक तस्वीर, एक वीडियो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो आपके जहन में ताज़ा हो जाएगी। एक शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने शेर है, और शेर उसको लगातार घूर रहा है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तस्वीर नई दिल्ली जो मैं अपना जू है, चिड़ियाघर, वहाँ की तस्वीर थी, और उसके बाकायदा पूरे वीडियो भी थे, कुछ लोगों ने शूट किया था। उस तस्वीर को मैंने बहुत बार देखा, ख़ासतौर पे वीडियो को, क्योंकि उस दिन मुझे ये शो बनाना था और वारदात उस दिन इसी पे गया था। तो पहली बार ऐसा था कि एक शख्स एक शेर के सामने निहत्ता बैठा हुआ है, और बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वक्त नहीं है, बहुत सारी लापरवाहियाँ भी थी। एक्चुअली वो नौजवान जो है वो चिड़ियाघर गया था, उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी कमज़ोर थी, और वो जाली पे चढ़ गया और नीचे कूद गया उस बाड़े में जिसमें शेर बंद था। शायद उसे इतना एहसास नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब वो जब अंदर गिरा तो जो बाकी लोग थे वो देख रहे थे उसको, तो वहाँ पे लोग सब पैनिक हो गए, क्योंकि एक शख्स सीधे शेर के बाड़े में कूद गया, और शेर सामने, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। जो जू के कर्मचारी थे वो इधर उधर थे, जो कर्मचारी भाग के सबसे नज़दीक थे आए भी, तो वो भी, उनको कुछ समझ ही भी नहीं आया कि करें क्या इस सिचुएशन में, कभी इस तरह के हालात से उनका पहले सामना नहीं हुआ था। और शेर जो है अब उसको देखकर उसके करीब आने लगा था। इस लड़के को लगा कि अब जब शेर करीब आ रहा है, तब ये थोड़ा सा घबराया था, फिर इसने अपने पहले हाथ से उसको इशारा करके भगाने की कोशिश की, फिर हाथ से कह रहा था दूर हटो दूर हटो, ये सारे ऑडियो भी थे। और शेर को जब करीब जाते हुए फिर कुछ लोगों ने ऊपर से भी आवाज़ दी, फिर लास्ट में थक हार कर ये लड़का एक वहीं पे बैठ गया, और शेर उसके सामने था, और ये दोनों काफ़ी देर तक आमने सामने बैठे रहे, और फासला इतना ही था जितना इस वक्त और मेरे आपके कैमरे के बीच में है। फिर इसी बीच गलती ये हुई कि ऊपर से बाड़े से, हालांकि गलती भी नहीं कहेंगे, उन लोगों ने बचाने की अपनी तरफ से कोशिश की, तो कुछ लोग पत्थर मार के शेर को डराने की कोशिश कर रहे थे, और इस चक्कर में शेर को गुस्सा आ गया। फिर कुछ देर के बाद शेर ने हमला किया उस लड़के पे, और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई थी उसी बाड़े के अंदर। अब यहाँ पे ये हुआ था कि हालांकि ये सारी चीज़ें जो है इसमें, फिर भी करीब 5-6-7 मिनट लगा था, इतना टाइम था। तो शेर को उस वक्त भी काबू पाया जा सकता था अगर जू के स्टाफ वहाँ पे एक्टिव होते, उसको बेहोश करके पकड़ा जा सकता था, लेकिन जब सब कुछ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उस लड़के की मौत हो गई थी चिड़ियाघर में, एक शेर के सामने निहत्ता खड़ा हुआ था, बाड़े के अंदर उतर गया था। तो वो तस्वीर, वो वीडियो जब भी देखते हैं तो मैं, मतलब अजीब सी एक सिहरन होती है सोच के कि शेर सामने है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये कहानी इसलिए आज मैं 5 साल के बाद आपको सुना रहा हूँ। इस इंसिडेंट के बाद फिर मैं जू गया था नेक्स्ट डे ही, और फिर उस बाड़े को भी देखा, फिर वहाँ के जू के डायरेक्टर थे उनसे भी बात की, फिर उसकी हाइट, ये सारी चीज़ें, सेफ्टी, सिक्योरिटी, उन सब पे भी, शो बनाना था इसलिए गया था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उस जगह को जब मैंने देखा जहाँ पे वो लड़का एग्जैक्ट बैठा हुआ था और शेर उसके सामने, तो मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि उस पल क्या बीतेगी। मतलब ये हम आप भी सोच सकते हैं कि कहना और सुनना और बताना और वो अलग चीज़ है, लेकिन अचानक हमारे सामने शेर आ जाए और हम निहत्ते हों तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा शेर करेगा, ये पुराना एक डायलॉग है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताया था क्योंकि आज की जो कहानी है वो शायद दुनिया के दो सबसे खूंखार आदमखोर शेर की कहानी है, और इसीलिए मुझे ये याद आया। करीब 115-120 साल हो गए होंगे इस कहानी को, लेकिन ये कहानी आज भी ज़िंदा है।
अफ्रीका के जंगलों में 1890 में अचानक एक बीमारी फैली थी। अलग अलग वक्त में अलग अलग एक महामारी टाइप की कुछ फैलती है, तो अफ्रीका के जंगलों में भी एक बीमारी फैली और उस बीमारी से बहुत बड़ी तादाद में जानवर मरने लगे। बाद में जब वहाँ पर जाके लोगों ने पता किया कि ये कौन सी बीमारी है, तो पता चला कि ये रिंडर पेस्ट करके एक, इस बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट। ये एक तरह का प्लेग था जो जानवरों में फैल रहा था। तो 1890 से लेकर 1897 तक, यानी 1890 till 1897, ये बीमारी 7 साल तक इन जंगलों में फैली एक महामारी के तौर पे, प्लेग के तौर पे। और इस बीमारी की चपेट में आकर अफ्रीका के जंगलों में बहुत बड़ी तादाद में जानवरों की मौत हो गई, जिनमें जिराफ, शेर, हाथी और भी बाकी सब जो जानवर थे। जानवरों की जब इतनी बड़ी तादाद में मौत हो गई, तो इससे हुआ ये कि 7 साल के अंदर जो अफ्रीका के आसपास के सारे जंगल थे वो जानवरों से लगभग खाली होने लगे। अब उन्हीं में से एक कीनिया और युगांडा भी है, तो कीनिया और युगांडा में भी जंगलों में इस बीमारी ने अपना रुख किया और वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में जानवरों की मौत हुई। अब जब जानवरों की मौत हुई, तो जो बाकी जानवर थे जैसे शेर, ये तो इनका खुराक जो जंगल में रहते हैं, वो जाहिर सी बात है जंगली जानवरों के ऊपर उनका वो खाना होता है, शिकार करते हैं, उन्हीं को खाते हैं। लेकिन बीमारी ने जंगल साफ कर दिया जानवरों से, तो अब भूख लगे तो क्या करें। तो उसी बीमारी के बाद जब जंगल खाली होने लगा, तो फिर जानवरों ने आसपास जंगल से बाहर निकलकर उस तरफ का रुख किया जहाँ पे इंसानी बस्ती या इंसान थे। और इन्हीं में से दो भूखे शेरों ने, जिनको बहुत दिन तक जंगल में खाना नहीं मिला, वो बाहर आते हैं और पहली बार एक इंसान का शिकार करते हैं। और ये दोनों जो शेर थे, इसके बाद इनको इंसानी खून और इंसानी मांस का चस्का लग जाता है। अब उसके बाद वो हमेशा तलाश में बाहर निकलते रहते हैं। ये पूरी शुरुआत थी कि इस बीमारी के बाद कैसे जानवरों की मौत हुई, उसके बाद दो शेर इंसानी बस्ती में आते हैं। 97 में ये प्लेग ख़त्म होता है 7 साल के बाद। 1898 शुरू होता है, मार्च का महीना आता है, और 1898 मार्च में तब वहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ों ने कीनिया से युगांडा के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया था, और उसका काम 1898 मार्च में शुरू हुआ। और ये पूरा जो युगांडा से कीनिया के बीच में जो रेल लाइन बिछनी थी, ये जंगल के बीच से होते हुए और एक बहुत फेमस वहाँ पे साओ रिवर, साओ नदी, उसके से होकर गुजरना था। तो साओ नदी पर पुल बनाना था, और साओ नदी जो है वो जंगल और इनके बीच में। तो हज़ारों मजदूरों को ले जाया गया वहाँ पर साओ नदी के किनारे, और वहाँ पुल बनाने का काम शुरू हुआ 1898 मार्च में। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में जो मजदूर थे वो हिंदुस्तानी भी थे, इंडिया से गए थे। पुल बनाने के लिए बाकायदा फिर वहाँ पे जब पुल बनाने का काम शुरू हुआ रेलवे का, रेलवे ब्रिज बनाने के लिए, तो जो मजदूर थे वो उसी नदी के किनारे सब कैंप और टेंट बनाकर वो रहते थे। अब एक तरफ नदी और एक तरफ जंगल, और उसमें ये पुल का काम, और उसमें एक बड़ी तादाद में मजदूर, हज़ारों की तादाद में। जब ये टेंट बनाकर रहने लगे, इस दौरान में बीमारी के बाद जंगल जानवरों से लगभग खाली था। ये दो शेर छिटपुट इंसानों का शिकार करते थे। अब इतनी बड़ी तादाद में वहाँ जब पुल बनाने का काम शुरू हुआ, तो हज़ारों लोग जब वहीं आकर टेंट में रहने लगे, तो रात को जब वो सोते तो शेर को मौका मिलता, दोनों आते, किसी एक टेंट को निशाना बनाते, किसी एक इंसान को खींचते और अपने साथ ले जाते। सुबह होती, बात फैलती, कुछ खून के छींटे मिलते, कुछ बाकी चीज़ें। तो पहले तो कुछ दिन पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि कोई आदमखोर है जो इंसानों को अपना निवाला बना रहा है। धीरे धीरे ये बात मज़दूरों में फैलनी शुरू हो गई। उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता, ऐसी कोई रात नहीं गुजरती जब कोई ना कोई मज़दूर कम हो जाता। उस वक्त जो रेलवे ब्रिज को जो बनाने का काम जिसके जो इंचार्ज थे, उसके चीफ इंजीनियर, वो एक ब्रिटिश अफसर थे, कर्नल हेनरी पीटरसन। तो कर्नल हेनरी पीटरसन की निगरानी में ये पूरा
सौ नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा था। तो मज़दूरों की एक एक करके जब मार्च के बाद गायब होने शुरू हुए और कभी लौट के नहीं आए, तो आपस में बातें शुरू होने लगी। इसके बाद इतना खौफ बैठा कि 3 महीने के भी अंदर, कम से उससे भी कम वक्त में, मज़दूरों ने यह कहा कि हम अपनी जान पे खेल के यहाँ काम नहीं कर सकते, और उन्होंने रेलवे ब्रिज बनाने का काम छोड़ दिया और कहा कि जब तक उनकी सेफ्टी सुरक्षा नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे। कुछ ज़बरदस्ती मज़दूरों को काम पे लगाया गया, लेकिन फिर अफसर भी डरे हुए थे। उसका आलम यह हुआ कि 3 महीने के बाद इस रेलवे ब्रिज का काम पूरी तरह से ठप हो गया, कोई मज़दूर जाता नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना था, मज़दूर के बिना काम नहीं हो सकता था। तो फिर ये हुआ कि जो शेर है आदमखोर, जो आके इंसानों का शिकार करता है, इसको पकड़ा जाए। तो इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कर्नल हेनरी पीटरसन, जो चीफ इंजीनियर थे इस प्रोजेक्ट के। सबसे पहले ये अफ्रीका के 3 नामचीन शूटर को बुलाते हैं, जो आमतौर पर जंगलों में शिकार इसी तरह के आदमखोर जानवरों का क्या करता था, और उस ज़माने में वो बड़े पॉपुलर, बड़े नाम थे उनके। तो 3 शूटर को बुलाया जाता है, और उस टेंट के पास ही सबसे किनारे में, जहाँ से जंगल का दायरा शुरू होता है, एक लकड़ी का पूरा एक पिंजरा टाइप का बनाया जाता है, और उसमें इन तीनों शूटर को, तीनों निशानेबाज को रखा जाता है, और वहाँ पे कुछ मांस और उस जानवर के कुछ इस तरह की रखी जाती है जिससे उसकी स्मेल से वो शेर उधर आए। तरीका काम कर जाता है, शेर आता है, लेकिन जब वो शेर को देखते हैं ये तीनों अफ्रीकी निशानेबाज, तो कहते ये हैं कि उन तीनों के हाथ पैर फूल गए और उनसे गोली नहीं चलाई गई। करीब 8 फिट 9 इंच लंबाई थी इस शेर की, 9 फिट 8 इंच, और इतने खूंखार कि उनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने फिर भी तमाम गोलियां चलाई, लेकिन तब तक उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद जो लकड़ी के वो सारे बनाए गए थे वो उसको भी तोड़ डाला, और उन 3 निशानेबाज में से एक को वो अपने साथ उठा कर ले गए, बाकी 2 वहाँ से डर से फिर चले गए। तो पहला जो एक ऑपरेशन था, एक मिशन था, वो नाकामयाब रहा। इसके बाद फिर कोशिश हुई किसी तरह से पकड़ने की, जंगल में ये करने की, लोगों को मिलाकर, और इसमें खुद कर्नल हेनरी पीटरसन जो है आगे आगे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। वो दोनों आदमखोर शेर हाथ नहीं आए, और हर रात वो अपना शिकार करके निकल जाए। फिर एक ये हुआ कि वहाँ के जो आसपास के कबीले में लोग रहते थे, कबीले के आदिवासियों को इकट्ठा किया गया, और भाला और बाकी दूसरे जो उनके पुराने हथियार थे, और उससे वो जंगलों में चुके वो रहा करते थे, जंगलों में इस तरह के शिकार का सामना किया, शेर का सामना किया, तो उनका एक ग्रुप तैयार किया जाता है, और कर्नल पीटरसन की अगुवाई में उन कबीलाई लोगों को लेकर जंगल में उन शेरों की तलाश की जाती है। लेकिन वो दोनों शेर इतने खूंखार थे कि उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, और एक जगह पर ऐसा मौका मिलता है कि कर्नल पीटरसन और एक शेर का आमना सामना हो जाता है। लेकिन कर्नल पीटरसन भी उस शेर को देख के गोली चलाना भूल जाते हैं दहशत के मारे, उसके बाद वो आँखों से ओझल हो जाता है। तो कबीलाई लोग भी कुछ उसमें से उनका नुकसान होता है, ये ऑपरेशन भी नाकामयाब होता है। इसके बाद कई बार और कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों को बंदूक के ज़रिए इसके, लेकिन नाकामयाब हो गए। आखिर में कर्नल हेनरी पीटरसन हिंदुस्तान में भी पोस्टेड रहे थे, एक इंजीनियर के तौर पर अलग अलग प्रोजेक्ट में। तभी उन्हें ख्याल आता है कि इन शेरों को मारने का एक तरीका है, और वो उन्होंने हिंदुस्तान में सीखा था। उन्होंने हिंदुस्तान में ये सीखा था कि जो किसान हैं, खेती करते हैं, वो जंगली जानवरों और उससे बचाव के लिए अपने खेतों में मचान बन के ऊपर रहते हैं, और उसके बाद वो वहाँ से निगरानी करते हैं, और वहाँ से वो अपने जो जानवर हैं उनको भगाते भी हैं या फिर गोली भी चला देते हैं। तो ये अचानक आइडिया आया, और हेनरी ने उस जंगल में मचान बनाने का फ़ैसला किया, और एक अपने ख़ास साथी शूटर को इंग्लैंड से बुलाया। सरकार ने भी पूरी मदद की, क्योंकि रेलवे ब्रिज का काम शुरू करना था। मचान पे गए, दोनों बैठे, इंतज़ार किया। पहला जो इनका वो था, ये ऑपरेशन, ये कामयाब रहा, और शेर जब आया तो मचान से, चूँकि निशाना बनाना आसान था, ख़तरा कम था, तो कर्नल पीटरसन की एक गोली दिसंबर 1898 में पहली बार एक शेर को लगती है उनमें से, और वो मारा जाता है। दूसरा तब तक वहाँ से भाग गया। अब इससे ये लोग काफ़ी खुश थे, नीचे आए,
इसके बाद फिर दूसरे, अब लेकिन ये था कि अब दूसरा शेर ज़्यादा खूंखार हो गया था क्योंकि उसके साथी की मौत उसके सामने हुई थी, तो अब ख़तरा ये था कि वो बाकी ज़्यादा लोगों पे हमला कर सकता है, तो उसको जल्द से जल्द मारना ज़रूरी था। और इसी चक्कर में ये लोग फिर जंगल में उसकी तलाश में भटके, एक जगह पर शेर ने घात लगा के हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से कर्नल हेनरी पीटरसन बच गए, लेकिन जिस अपने साथी को बुलाया था इंग्लैंड से शूटर को, वो शेर का निवाला बन गया, वो उसे मार डाला। अभी अकेले बचे थे, लेकिन कोशिश जारी रही। और ये था कि मचान ही इसमें कारगर साबित हो सकता है जो हिंदुस्तान से आइडिया आया था। एक महीने के बाद जनवरी 1998 में फिर उसी मचान के ज़रिए एक कामयाबी मिलती है और दूसरा शेर भी मारा जाता है। और इसके बाद दोनों शेर के खात्मे के बाद पहली बार तमाम मज़दूरों को, वहाँ के लोगों को बताया जाता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता। पहले शेर की जो सब कुछ मुर्दा दिखाया जा चुका था, कहते हैं कि करीब 15 से 20 लोग, उनका वज़न इतना, उन शेर का इतना था कि वहाँ से उठाकर गाड़ी तक ले जाने में लगा। और इसके बाद फिर उस शेर के बाकी निशानी और उसके ज़रिए तलाश की गई कि ये दोनों का ठिकाना कहाँ था जंगल में। तो दो पहाड़ों के बीच में कोई एक पत्थर था बहुत बड़ा, एक सुरंग टाइप, वहाँ पे जाने के बाद कबीलाई लोगों की मदद से उस गुफा में पहुँचे तो पता चला कि ये दोनों शेर का ठिकाना यहाँ था। उसकी वजह ये थी कि उस गुफा के अंदर से बहुत सारे इंसानी हड्डियाँ मिली, जिन्हें ये शिकार बना के ले जाते थे, उसको वहीं ले जाकर वो खाते थे। कुल 9 महीने इन्होंने दोनों शिकार ने 9 महीने में इस नदी के किनारे जो मज़दूर लोग गए थे, 135 इंसानों को अपना निवाला बनाया और 135 इंसानों को मार दिया। इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आदमखोर शेर थे। इन दोनों की मौत के बाद फिर बाकायदा, चूँकि एक ये था कि उस वक्त एक रिकॉर्ड था कि किसी दो शेर ने इतनी बड़ी तादाद में इंसानों का शिकार नहीं किया है, तो 1924 में इस शेर की खाल और सर, वो सारी चीज़ें कर्नल ने शिकागो के एक म्यूज़ियम को भेजा, उस वक्त $5,000 में। फिर उस शेर के इस खाल और उसके पूरे चेहरा और ये उसी आकार दिया गया, उसमें सब कुछ भरा गया, उसकी उसी साइज़ 9 फिट 8 इंच को लाया गया। और दोनों शेरों को आज भी शिकागो के म्यूज़ियम में रखा गया है और आज 125 साल बाद भी लोग वहाँ जाते हैं और उन दोनों आदमखोर शेरों को देखते हैं जिन्होंने 9 महीने में सिर्फ 135 इंसानों को अपना निवाला बनाया था। वो जगह जहाँ पे केनिया और युगांडा के बीच में जो रेलवे ब्रिज है, बाद में फिर उसके बाद काम शुरू हुआ, रेलवे ब्रिज बना, आज भी युगांडा और केनिया के उन जंगलों के उस नदी के पास जहाँ रेलवे ब्रिज बना है, वो मचान संभाल कर रखा गया है। उनमें से कुछ टेंट और कैंप जिसमें मजदूर रहते थे, जिसमें हमला हुआ था, और जो एक लकड़ी का बनाया गया था वो भी रखा गया है, टूरिस्ट स्पेशली उसको देखने के लिए आते हैं। और 125 साल के बाद भी आज भी करीब 98 की बात है, मार्च से शुरू हुआ था और दिसंबर में जाकर, बल्कि जनवरी की शुरुआत में आखिरी शेर का खात्मा हुआ। तो ये थी दो सबसे खूंखार आदमखोर शेर की कहानी, जो आज भी एक तो म्यूज़ियम में दोनों शेर उसी तरीके से रखे गए हैं, और केनिया और युगांडा की उस जंगल की उस नदी के किनारे उनकी निशानियाँ को आज भी सहज कर रखा गया है, ताकि जो दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं जंगलों में अफ्रीका के, वो उसे देखें और उस पल को, उस दौर को याद करें। तो अब दीपक फटाफट सवाल बताओ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑपरेशन कैक्टस के ऊपर, मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया। दीपक कह रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट को कैसे बचाया गया था, इसका एक ऑपरेशन किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लास्ट में दीपक ने डाला और मुझसे भी सिफारिश की है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, तो ऑपरेशन कैक्टस मॉरिशस के प्रेसिडेंट को कैसे बचाया गया, डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को मौका मिले ज़रूर देखिए, सुनिए और फिर बाद में दीपक की तारीफ भी कीजिए। अब सवाल बताओ। सर जिग्नेश जी का सवाल है, सर ये पिक्चर हॉलीवुड पिक्चर की घोस्ट एंड द डार्केस्ट मूवी से क्या रिलेटेड है?
जिग्नेश जी, मैंने वो फिल्म देखी नहीं है और मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम। आपने कहा तो मौका मिलेगा तो एक बार फिल्म देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये उस पे है कि नहीं है। सर, आपने हेडिंग में आदम खो लिखा था तो कई लोगों को लगा कि किसी इंसान के बारे में है। आज मैंने जानबूझ के बदमाशी की थी आप लोगों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए। मैंने कहा कि ऐसी लाइन लिखो जिसमें आप लोग फंस जाएं और कुछ कुछ और सोचें आप कहानी के बारे में, और मैं कुछ और सुना दूं। तो कभी कभी ये बदमाशी भी, अपनी फैमिली है तो चलता है। सर, मनीष जयकर जी का कहना है सर कि आपने रॉन्ग टर्न ऑफ सॉ जैसी पिक्चरें देखी हैं, उनकी पूरी सीरीज है। कुछ मैंने देखी है लेकिन पूरी नहीं देखी है मनीष जी। सर, किशन जी का सवाल है, सर मैं ऑफिस में हूँ, नाइट में हूँ, आपकी स्टोरी पूरी रात सुनता हूँ, आप मैं एक बार नाम ले लीजिए प्लीज़। किशन जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ऑफिस में आप पूरी रात कहानी सुनते हैं, आपके बॉसेस को कहीं पता चल गया तो सोचिए कि फिर वो क्या कहेंगे कि तुम ऑफिस में काम क्या करते हो, मुझे पता चल गया। तो ऐसी चीज़ें पब्लिकली नहीं बताते। सर, कारगिल दिवस आने वाला 27 जुलाई को, उस पर कहानी सुना दीजिए। हाँ, करगिल 20 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक दिन आपको करगिल की भी कहानी सुना। सर, सुमित साना जी का सवाल है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो लापता हो गए थे और कोहिनूर की स्टोरी। सुमित सानहा साहन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो लापता हो गए और कोहिनूर की कहानी, चलिए ठीक है, इसको भी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। सर, सोनिया जी का कहना है सर बदमाशी अच्छी बात नहीं है। सर, आज सोनिया जी, मुझे लगता है कभी कभी बदमाशी करनी चाहिए, क्योंकि आप फैमिली में बदमाशी नहीं करेंगे तो बाहर कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे तो कोई कंप्लेंट कर देगा, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पता नहीं क्या क्या सेक्शन लग जाएगा। तो आपस में तो हम लोगों का एक साथ चलता है, तो कभी कभी होनी चाहिए शरारत भी। सर, सौरभ सिंह जी का सवाल है, सर आर्टिकल 15 में जो स्टोरी सुनाई गई थी रेप के ऊपर, क्या आप उस पर कहानी सुना सकते हैं? सौरभ साहब, आर्टिकल 15 जो है वो बदायूं रेप जो हुआ था, हालांकि उसमें थोड़ी सी कहानी में हेर फेर भी किया गया, लेकिन ये था कि ओरिजिनल उस स्टोरी से इंस्पायर होकर वो फिल्म बनाई थी। कभी मौका मिला तो चलिए आपको सुनाता हूँ। सर, शिवा मिश्रा जी का सवाल है, सर जमाल खशोगी की केस में आईसीजी में सुनवाई क्यों नहीं हुई? शिवा मिश्रा जी, जमाल खशोगी के केस में आईसीजी में क्यों नहीं हुई? आईसीजी में कोई केस इसलिए जाता है कि जहाँ पे दो मुल्कों के बीच में या दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, क्योंकि अगर एक ही कंट्री का मामला है तो उस कंट्री की कोर्ट, वहाँ की जुडिशरी सिस्टम वो संभाल लेगी। जैसे आप कुलभूषण यादव का ले लीजिए, हमारा इंडिया और पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को फांसी की सज़ा दी, हमने कहा कि वो गलत है, वो उसके साथ गलत हो रहा है, वो एजेंट नहीं है, उसको किडनैप करके वहाँ पे पाकिस्तान ने बुलाया गया। तो अब इसका फैसला हम, हमारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, पाकिस्तान के भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो एक तीसरा कोई फैसला लेगा, तो जब तीसरा कौन होगा, तो वो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पर खशोगी का मामला थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर सऊदी अरब या फिर टर्की ये नहीं लड़ रहे कि ये ऐसे है या ये ऐसे है, या हमने नहीं मारा या तुमने नहीं मारा। यहाँ सिंपल सा है कि एक कत्ल हुआ है सऊदी एम्बेसी के अंडर, अंदर में कत्ल हुआ है, और कत्ल का जो शक है वो सऊदी के जो क्राउन प्रिंसेस हैं उनके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये आईसीजे के पास भेजने के लिए ये सॉलिड केस नहीं है। वही केस हो सकता है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व हो, कोई उसमें आपस में कुछ विवाद हो। सर, मीनाक्षी शर्मा जी हैं, सर वो कह रही कि वो मेडिकल ऑफिस में काम करती हैं अमेरिका में, वो रोज़ आपकी कहानी सुनती हैं और घर पे जाके डिनर के वक्त अपने हस्बैंड से वही कहानी भी सुनाती हैं दोबारा। मीनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच, मतलब आप एक बार कहानी सुनती हैं फिर आप अपने पति को घर पे जाके और टॉर्चर करती हैं कहानी दोबारा सुनाकर, चलिए अच्छा है, आप करती रहिए। सर, संजय कुमार जी का सवाल है, सर जयगर जयपुर फोर्ट की कहानी सुनाओ जिसके इंदिरा गांधी ने खुदवाया था इमरजेंसी 1975 के खजाने के लिए प्लीज़। हाँ संजय जी, मैं कोशिश करूँगा कि इस कहानी को डिटेल निकालूं फिर आपको सुनाता हूँ। सर, कई लोग महात्मा गांधी जी की ऊपर स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप सुना चुके हैं। हाँ, कई ऐसा मेल आता है, कोई महात्मा गांधी जी के बारे में मैं पूरी जो आखिरी 3 दिन में पूरी बापू के कत्ल की जो प्लानिंग हुई थी, साजिश हुई थी, रिवॉल्वर कहाँ से ख़रीदा गया, कैसे उसकी प्रैक्टिस हुई, रिहर्सल हुआ, ये सब कहानी मैं सुना चुका हूँ, आपको इसी क्राइम तक की लिस्ट में मिल जाएगी। और भी ऐसी कई कुछ कहानियाँ हैं जिनके लोगों ने फरमाइश की थी, लेकिन वो सब पहले मैं सुना चुका हूँ। तो एक बार अगर आप लिस्ट देखें, हालांकि मैंने टीम से कहा अभी है, दीपक से भी कहा कि अगर उसको नंबरिंग कर दें, एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शायद काम शुरू भी हो चुका है, 150 हो चुका है, तो उसमें आपको मिल जाएगी। सर, संस्वी ये कह रही है कि सर मंकी मैन की कहानी कब और 1 मिलियन कब? शमस्वी के मंकी मैन की कहानी भी जल्दी सुनाता हूँ, और 1 मिलियन कब आपका अगला सवाल था, मैंने गिनती बहुत पहले गिननी छोड़ दी, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा, ये सब एक नंबर है सिर्फ, लेकिन नंबर से बड़ा फैमिली होता है और फैमिली से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती।
तो वो भी अपनी जगह होगा, जब भी होगा, बस फैमिली इस तरह से बढ़ती रही है, ज्यादा खुशी है। इश्तियाक खान जी का पेड क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं उनका आज बर्थडे है, एक बार उन्हें आप अच्छे से। इश्तियाक खान साहब, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारक, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और इसी तरह कहानियाँ भी सुनते रहें। सर, सुंदर बाबू जी का कहना है कि सर आप कल उनके सपने में आए थे, वो चाहते हैं कि आप और सुप्रतिम सर उनके घर पे आएं और डिनर करें। लीजिए, सुंदर भगवान साहब के मैं कल सपने में आया था, तो ये नाम अच्छा है इनका सुंदर, लेकिन सपने में भी किसके आया, सुंदर भगवान साहब, इनकी पत्नी मार मार के इनको भगा देंगे घर से किसी दिन। चलिए, मैं कभी आऊँगा, फुर्सत और टाइम और मिला और जहाँ पे आप हैं तो ज़रूर किसी दिन आऊँगा। सर, 10 मिलियन व्यूज एक आईडी है, वो कह रहे हैं सर एक वर्ल्ड वॉर के ऊपर आप एक सीरीज स्टार्ट कीजिए, इसमें आप कहानी सुनाएं वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था। 10 मिलियन व्यूज कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर के ऊपर एक सीरीज शुरू करें, पर ये मुझे ये बताइए कि सीरीज कहाँ है, इसमें तो 2 एपिसोड ही बन सकता है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, 3 अभी हुआ नहीं है, तो या तो उसका इंतज़ार करते हैं हम लोग, फिर सीरीज बनाते हैं। लेकिन यह है कि वर्ल्ड वॉर की कहानी आपको मैं ज़रूर सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग भी है। सर, राज ठाकरे मराठा के एक आईडी है सर, वो कह रहे हैं सर एक घंटे की कहानी सुनाया कीजिए, आपको क्या छोटी सोई सुनाते तो टाइम का। राज ठाकरे मराठा किंग साहब, कहानी के ऊपर डिपेंड करता है कई बार, और बड़ी कहानी, छोटी कहानी, फिर कई बार और भी काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसके बाद क्या है, इससे पहले क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोच के कि इतनी देर तक सुनानी है, जितनी देर मैं जो भी बिना सोचे समझे बोल देता हूँ, जब लगता है कि अब चुप हो जाना चाहिए तो चुप होकर चला जाता हूँ। सर, अदीबा बेगम वो जानना चाहती है आपका बर्थडे कब है। अदीबा बेगम जी, मेरा बर्थडे 3 जनवरी है, 3rd जनवरी, कैप्रिकॉर्न हूँ और अभी काफ़ी टाइम है। सर, मालविका गोस्वामी, इंदिरा गांधी के लाल किले में कैप्सूल मिट्टी में गिरने और उस पर की कार्रवाई की कहानी सुनाइए। मालविका, मैं इसके बारे में एक बार डिटेल पता करता हूँ और फिर मैं ये कहानी भी आपको जल्दी सुनाता हूँ। सर, अमन आर्यन जी चाह रहे हैं कि सर आप अपनी बायोग्राफी कब सुनाएंगे। अमन जी, जल्दी सुनाऊंगा, मैंने वादा किया है, हालांकि कुछ है नहीं सुनाने के लिए, लेकिन जब भी सुनाऊंगा तसल्ली से सुनाऊंगा और डिटेल में सुनाऊंगा, और ये भी कहता हूं कि पूरी तरह से सच सुनाऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं सुनाऊंगा। सर, बालकृष्ण जी चाहते हैं कि बावरिया गैंग रेप। हाँ, बालकृष्ण बावरिया गैंग के ऊपर काफ़ी मैंने तो रिसर्च भी कर रखा है, बहुत सारे शोज़ बनाए हैं, बावरिया गैंग के कुछ लोगों से मिला भी हूँ, उनके काम करने के तरीके के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो जल्दी ये वाला तो मैं आपको बहुत जल्दी सुनाता हूँ। तो आज इतना ही, क्योंकि बाकी चीज़ भी कर लूँ काम, और दीपक ने जो बताया था एक कि कैसे मॉरिशस के प्रेसिडेंट को किडनैप करने की कोशिश की गई, किडनैप हुआ, उसके बाद क्या ऑपरेशन चला, उसमें है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।